I'm Dr. Sharada Jain. Today I'm going to tell you a very simple Japanese technique of relaxation. एक और टेक्निक है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है स्वाइसो। हर मरीज को सिखाती हूँ, हर व्यक्ति जो मेरे कांटेक्ट में आता है मैं उसको सिखाती हूँ स्वाइसो। आप उसको जरूर देखेंगे। आज उसी तरह की एक टेक्निक है, जैपनीज रिलैक्सेशन टेक्निक। इसका नाम है जिन शिन जुत्सु। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारी बॉडी में सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सर्कुलेशन होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी फ्लो करती रहती है। मेरिडियन बने हुए हैं, बड़ी साइंस है इसके अंदर। नाउ यही एनर्जी को हम यूज करते हैं रेखी के अंदर, प्राणिक हीलिंग के अंदर करते हैं, और मैं तो सहज योगी हूं, हम लोग इसको सेल्फ हीलिंग में यूज करते हैं। जो सहज योगा के मेडिटेशन है वो भी खाली वाइब्रेशंस का है। तो हम चलते फिरते अपने हाथों में 5 नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा कर लेते हैं। अंगूठा जो है वो स्ट्रेस के लिए, इंडेक्स फिंगर फियर के लिए, मिडिल फिंगर एंगर के लिए, रिंग फिंगर जब भी आप सैड हो, ये रिंग फिंगर, और ये जब भी आपको सेल्फ एस्टीम की कमी है, जब भी आप लो फील कर रहे हो फॉर नो रीजन, आत्मविश्वास की जहां भारी कमी है वहां पर ये ना, उसके हिसाब से आप कुछ नहीं, सिंपल सा रिलैक्सेशन टेक्निक है, बहुत ही कम समय लेता है, इंस्टेंट इफेक्ट है। आपको क्या करना है, आपने अपने राइट अंगूठे को, अगर आपको स्ट्रेस है, इसको बस पकड़ लिया, बस इतना पकड़ लिया, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना, इतना पकड़ लिया कि आपको इसके अंदर पल्सेशन पता चलने लगे। आंखें बंद कर लेंगे तो आपको और भी पल्सेशंस के बारे में बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि पल्सेशन चल रही है। जब ये बस जब तक पल्सेशन है उससे उतना ही दबाना है, जब तक आप पल्सेशन फील कर रहे हो, इसको आपने 2-3 मिनट के लिए करना है। फिर आप, ये था फियर के लिए, इसको आपने पकड़ा, बिल्कुल हल्का सा पकड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पकड़ लेंगे तो सारा सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। आपने हल्का सा पकड़ना है और आपने पल्सेशंस को फील करना है। फिर आप, ये आपके एंगर के लिए, इसको आपने पकड़ लेंगे, ये नहीं कि राइट और लेफ्ट, आप पहले लेफ्ट पे करिए और फिर आप राइट पे करिए। उसी तरह अगर आप सैड फील कर रहे तो आपने रिंग फिंगर, आप उसको पकड़िए। 2-3 मिनट के लिए पकड़ना है, पल्सेशन को यूज करना है, पल्सेशन ही हीलिंग का कमाल करती है। ये बहुत सी, और आखिर में इन 5 उंगलियों के बाद अगर आप जनरल वेलबींग के लिए करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 5 फैक्टर आपके नहीं है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, W फास्ट, यहां पे वरी और स्ट्रेस है, ये फियर है, ये आपको एंगर है, ये सैडनेस है, और ये आपके ऊपर सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है। और बाद में आप अपने थंब से सेंट्रल ऑफ दिस में भी आपने 2-3 मिनट के लिए करना है, वहां पर भी पल्सेशन फील हो रही है। सब जगह पल्सेशन का कमाल है, ज्यादातर 99% लोगों को फील होंगी और खाली 1% में नहीं फील होगी, वो भी धीरे धीरे आ जाएगी। आपका माइंड भटक रहा है तब आपको नहीं पता चलेगा, जब टोटल कंसंट्रेशन लगाओगे, जब ये चाहोगे ये हीलिंग काम करे, तो एक तो अंदर से विश्वास होना चाहिए ये काम करेगी, और तो काम करेगी ही, सेल्फ अजमाई हुई चीज है। रात को सोते हुए करिए, बस अब लेट गए आपने ये कर लिया, सब चीज आपके, कोई सपने अपने सब खत्म, बढ़िया नींद आएगी। सुबह सुबह उठ के करिए, जब कहीं पर आप हैं, आपका पेशेंट आया, उसको ये, आप उसकी उंगली पकड़े, ला भी तुम की उंगली दे, तो अपने लिए भी कर सकते, दूसरों के लिए भी कर सकते। और क्या चीज है, आपको 3 चीजें लोगों को देनी है, एक स्माइल,
एक छोटी सी टिप उनको हील करने के लिए बतानी है। तो मैं तो कहती हूं हमारी क्लिनिक के ये दो यूएसपी हैं, एक स्वाइसो बताते हैं और एक हमें जिन शिन जुत्सु बताते हैं। कैसा लगा? इसको जीवन में अपनाइए, अपने साथ जितने लोग मिलते हैं उनको सबको बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।